चलिए और इसी बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायकों को सीएम यादव ने दो टूक सलाह दी। विधानसभा में अपने कार्यों का खाका पेश करने को लेकर उन्होंने विधायकों को दो टूक कर दिया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर नजर रखें, सीएम संभागवार विधायकों की बैठक भी ले रहे हैं। कल उज्जैन जबलपुर संभाग की बैठक ली थी, वहीं जनता से जुड़ने की विधायकों को सलाह भी दी जा रही है। इधर समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करने की भी सलाह दी जा रही है। तो वहीं सीएम हाउस में लगातार विधायकों की बैठक आयोजित की जा रही है। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को दो टूक सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा में अपने 5 सालों का खाका वे पेश करें कि 5 सालों में क्या कार्य होंगे, उनका खाका विधायक तैयार करें और उस खाके को विधानसभा में पेश करें। इधर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी नजर रखने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। आपको बता दें कि कल उज्जैन में जबलपुर संभाग की बैठक हुई थी। इधर संभागवार सीएम दरअसल विधायकों की बैठक ले रहे हैं, जहां कल उन्होंने उज्जैन जबलपुर संभाग की बैठक ली थी और जनता से जुड़ने की विधायकों को सलाह भी इस दौरान दी गई थी कि विधायक जनता के बीच पहुंचे, जनता के साथ जुड़े, उनकी परेशानियों को सुने समझे और उनकी परेशानियों को सुलझाएं भी। इधर समय समय पर योजनाओं की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, इसी के साथ उन्होंने विधायकों को दो टूक दी है कि आने वाले 5 सालों के कार्यों का वे खाका तैयार करें और उसे पेश करें। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठकें कर रहे हैं। कल भी जो है उज्जैन और जबलपुर संभाग की विधायक के साथ बैठक ली थी और दो टुक जो है बात की थी। एमपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो है मोहन सरकार अब काम करेगी। बीजेपी विधायकों का जो सीएम मोहन डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने दो टुक बात कही है। 5 साल में विधानसभा में जो भी विकास कार्य होना है उसका खाका पेश करें और भ्रष्टाचार और जो कानून व्यवस्था पर जो जो लोग काम कर रहे हैं उन पर विधायकों से कहा है कि पेनी नजर रखें और कार्रवाई भी करें। हालांकि सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कही है कि विधायक जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद रखें, लोगों से मिले, उनकी परेशानियों को दूर करें और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनका उनको लाभ दिलवाए, ताकि एक अलग माहौल जो है उनके लिए बना रहे। लगातार बैठकें भी जो है की जा रही हैं, आज भी जो है बैठकें हैं और कल जो है उज्जैन और जबलपुर संभाग की बैठक थी, जनता से सीधे जुड़ने की बात कही है और सरकार की जो योजना है उसके लिए उसको लेकर भी समीक्षा लगातार की जा रही है और भ्रष्ट जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने की बात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन बैठकों में की थी। बिल्कुल, यानी कि ये बात साफ है कि अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो कई हद तक बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने अनोखे जो काम है या अनोखे जो निर्णय हैं उनके लिए अक्सर ही इस तरह से चर्चा में बने रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आगे बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब भ्रष्टाचार और